दोस्तों, मोदी और योगी के सुखद कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड होने लगा मोदी योगी बत्ती गुल। यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप इन स्क्रीनशॉट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त जो है धड़ल्ले से यही ट्रेंड हो रहा है, मोदी योगी बत्ती गुल। और क्यों हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। रुकिएगा, पूरी खबर जो है आखिर तक सुनकर जाइएगा कि आखिर अचानक से जिस राज्य में, जिस मोदी सरकार में लोगों का विकास जो है वो बीजेपी की तरफ से कर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थक नहीं रहे हैं, उन दो बड़े नामों को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड क्यों करने लगा कि मोदी जी और योगी जी के राज्य में बत्ती गुल होने लगा है। दरअसल दोस्तों, यूपी के अंदर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वहां पर बत्ती जो है, रात में लाइट जो है वो चली जा रही है, बत्ती गुल हो जा रही है। जो बीजेपी बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे थे कि हम जनता का विकास करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर वार करते हैं, उस राज्य में कैसे लोग परेशान है, बदहाल है, गर्मी से उनका क्या हाल है, वो वहाँ की जनता मीडिया के सामने और अपना दुखड़ा रोते हुए लगातार दिखाई दे रही है। तो इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रोटेस्ट निकाला गया था, हाथों में तख्तियां, बैनर जो है वो देख सकते हैं, और पुलिस इस प्रोटेस्ट में जो कार्यकर्ता है उसको डिटेन भी कर रही है, ये खबर भी नजर आ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के पेज की तरफ से जो बहुत सारे वीडियो शेयर किए गए और लिखा गया है कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। लखनऊ में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ लालटेन जुलूस निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आदित्यनाथ की तानाशाही पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोदी योगी का अमृतकाल है या लालटेन काल है, हैशटैग मोदी योगी बत्ती गुल। तो आपने पहला ट्वीट देख लिया दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से ही, डॉक्टर तुषार आर्य, वो लिखते हैं कि आपका बत्ती गुल अभियान है, कानपुर में मध्य रात्रि में बिजली गुल हो जा रही है, भीषण गर्मी में लोगों का हाल जो है बेहाल हो रहा है, मोदी योगी बत्ती गुल। फिर से इन्होंने शेयर किया है तुषार ने कि आपका बत्ती गुल अभियान, प्रयागराज में बत्ती जो है वो गुल हो गई है, धू धू कर जलता ट्रांसफर, जर्जर तार और कई साल पुराने ट्रांसफार्मर बन रहे फॉल्ट की मुख्य वजह, योगी मोदी योगी बत्ती गुल। तो इन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ट्रांसफार्मर में आग लग जा रही है और लोगों को इस वजह से लाइट भी नहीं आ रही और लाइट भी कट कर दिया जा रहा है। आप हथरस पेज से शेयर किया गया है कि आपका बत्ती गुल अभियान, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन मार्केट पर सुबह 11 बजे से बत्ती गुल है और 15 बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब बिजली विभाग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सीतापुर पेज से भी ऐसी ही वीडियो शेयर की गई है और लिखा गया है कि आपका बत्ती गुल अभियान है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बत्ती गुल है, भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तो ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स जो है इस वक्त दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किया गया है। जनपद में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन, और आम आदमी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेरठ सदर बाजार में लालटेन जुलूस निकालकर दर्ज किया विरोध, मोदी योगी का अमृतकाल है या लालटेन काल है। तो ऐसे तमाम जो शख्स हैं वो इस वक्त दिखाई दी जा रही है। एक तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं, जाकिर हुसैन नाम के कार्यकर्ता हैं, वो मोदी जी और योगी जी के पोस्टर पर लिख रहे हैं मोदी योगी का युग लालटेन युग है। यहाँ पर अब लालटेन जलाने वाली स्थिति है। जो बीजेपी कह रही है कि हम जो है घर घर बिजली पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर रोशनी कर रहे हैं, तो वहाँ पर रोशनी का आलम यह है कि लोग जो है बिजली के लिए परेशान है। राजधानी में ऐसी हाल हो रही है, लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर और वाराणसी जहां पर मोदी जी का क्षेत्र है, उन तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीर आ रही है जहां पर बिजली बार बार कट हो रही है। अंकित परिहार लिखते हैं कि लखनऊ में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लालटेन जुलूस निकाल रहे हैं आम आदमी कार्यकर्ताओं को आदित्यनाथ की तानाशाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इन लोगों को जो है विरोध करने के लिए भी रोका जा रहा है ताकि पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।